फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज इजी। मैं आकृति, मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज और उससे रिलेटेड इजी कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिरके वाली प्याज बना रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। रेस्टोरेंट वगैरह में हम जाते हैं तो हमेशा सिरके वाली प्याज खाने को मिलती है, पर इसे घर पर भी आसानी से बनाकर महीनों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। और जब भी आपका मन करे तो बस आप इसे निकालिए और खाइए। तो सिरके वाली प्याज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 15 छोटे साइज के प्याज लिए हैं। इन्हें मैंने पानी से धोकर इनका छिलका निकाल लिया है। एक एक प्याज को अच्छे से चेक कर लेंगे, कहीं कोई भी प्याज अंदर से सड़ी हुई नहीं हो, वरना सिरके वाली प्याज का टेस्ट बिगड़ जाएगा। मैंने यहाँ पर सभी प्याज को चेक कर लिया है। अब मैं एक एक करके सभी प्याज को ऊपर और नीचे की तरफ से दो दो कट लगाऊंगी। देखिए, इस तरीके से मैंने फर्स्ट कट लगाया है और ये सेकंड कट लगाया है। इसे मैंने प्लस के साइन के अनुसार कट किया है और उसी तरीके से प्याज की दूसरी तरफ से उसे पलट कर भी दो कट लगाया है। इस तरीके से प्याज को कट करने से सिरके का पानी प्याज के अंदर तक चला जाता है और खाने पर जब प्याज की बाइट मुंह में जाती है तो वो बहुत ही अच्छी खट्टी सी लगती है। मैं एक दूसरे प्याज को भी कट करके आपको फिर से दिखाती हूँ। इस तरह से मैं सारे प्याज को दोनों तरफ से कट कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे प्याज को कट कर लिया है। अब देखिए, सिरके वाली प्याज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कांच का एयर टाइट जार लिया है। तो सबसे पहले इसमें सिरका डालेंगे। मैंने यहाँ पर सिंथेटिक सिरका लिया है। मैं यहाँ पर एक ग्लास सिरका डाल रही हूँ और इसके बाद मैंने आधा ग्लास पानी डाला है। इसी के साथ देखिए, मैंने यहाँ पे सिरके के पानी में फ्लेवर और कलर लाने के लिए 5 हरी मिर्च, उसी के साथ अदरक के पतले पतले 5 स्लाइसेस लिए हैं और बीट रूट या चुकंदर के पतले पतले 10 स्लाइसेस लिए हैं। हरी मिर्च और अदरक आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है और बीट रूट का यूज करने से फूड कलर के यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे बहुत ही बढ़िया नेचुरल सा रेड कलर आता है सिरके वाली प्याज में। तो अब मैं एक एक करके इन 5 हरी मिर्च को बीच से कट करके सिरके में डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने अदरक और बीटरूट के स्लाइस भी सिरके में डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक धीरे धीरे करके सिरके में खुद ही घुल जाएगा, तो इसे मिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक एक करके मैं सभी प्याज सिरके में डाल रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिरके में सारे प्याज डाल लिए हैं। कंटेनर का ढक्कन अच्छे से बंद कर दिया है। इसे मैं 8 से 10 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख दूंगी। मैंने रात को लगभग 9 बजे इसे फ्रिज में रखा है और अगली सुबह मॉर्निंग में देखिए 7 बजे मैंने फ्रिज से बाहर इसे निकाला है। तो 10 घंटों तक मैंने इसे फ्रिज में रखा है और फ्रिज से बाहर निकलने के बाद देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा रेड कलर आया है सिरके वाली प्याज में। बिल्कुल वैसा ही कलर जैसा कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में सिरके वाली प्याज में देखते हैं। इस तरीके से सिरके वाली प्याज को आप 1 से 2 महीने तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और प्याज के खत्म हो जाने के बाद फिर उसी तरीके से बचे हुए सिरके में फिर से प्याज डालकर सिरके वाली प्याज तैयार करिए और उसे एंजॉय करिए। उम्मीद करती हूँ सिरके वाले प्याज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्रेस करिए बेल आइकन। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, खुश रहिए।